पकड़ें तरक्की का हाथ आइशर इंजन के साथ। मैं इस बिज़नेस में पिछले 5 साल से हूँ, बट मेरे फैमिली मेम्बर्स इस बिज़नेस में पिछले 22 सालों से है। हम एक साल के अंदर लगभग 1 करोड़ या 1.25 करोड़ हिट बनाते हैं, जो कि हम 7 या 8 महीने या 10 महीने के अंदर इसको पूरा हम सेल आउट कर देते हैं। देश के बुनियादी विकास में आ रहे इस बड़े बदलाव से जिन उद्योगों का भविष्य काफी आशावान दिख रहा है, उसमें ईंट उद्योग अग्रणी है। बच्चे की क्षमता है 1 करोड़ से 1.25 करोड़ ईंट बनाने की, लेकिन सारे संसाधन उसके फुल पावर में रहेंगे, फुल पावर से चलेगा। हमारे पास पहले नेचुरल ग्राफ्ट था, हमने हाई ग्राफ्ट में कन्वर्ट किया। ठीक ठाक भट्ठा चल जाए, अच्छा चल जाए आपका, तो 1 साल में आपके पैसे कवर हो जाएंगे, उसके बाद यूनिट तो आपके पास आएगी। ईंट उद्योग में आज असीम संभावनाएं हैं। भारत के कई स्थानों में आज ईंट उद्यम में एक नई तकनीक प्रयोग में लाई जा रही है, जिसे हाई ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। हाई ड्राफ्ट भट्ठे पारंपरिक भट्ठों के मुकाबले ज्यादा लाभकारी एवं सुविधाजनक हैं। हाई ड्राफ्ट तकनीक के कारण जहां एक तरफ श्रमिकों पर निर्भरता कम हुई है, वहीं दूसरी तरफ उत्पादन की गुणवत्ता एवं आमदनी में भारी बढ़ोतरी हुई है। हमारे पास पहले नेचुरल ड्राफ्ट था, हमने हाई ड्राफ्ट में कन्वर्ट किया। कितनी लागत आई? कन्वर्ट करने में हमारे 10 से 12 लाख, जिसमें से 5-6 लाख लेबर में लगते हैं जी। बाकी ये इंजन आता है, मोटर आती है, आईडी फैन आता है और फीड बॉट वगैरह और भट्ठे की जो मशीनरी है, कोल क्रशर है, वो सब लगा के 10 से 12 लाख। प्रोसेस इज क्वाइट लाइक द कन्वेंशनल ब्रिक किल्न। ओके, बेसिकली द ओनली थिंग इज दैट इन कन्वेंशनल ब्रिक किल्न द ड्राफ्ट इज क्रिएटेड बाय द चिमनी। ओके, इट इज अ नेचुरल ड्राफ्ट। राइट, वी क्रिएट द ड्राफ्ट थ्रू आईडी फैंस, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। ID fans run with power. Okay. That is one difference. Secondly, in the conventional brick kiln, the fire travels linearly. Okay. The travel of the fire is very, very linear. In our technology, we use the pattern in the setting of the bricks inside the kiln. The pattern creates zigzag fire. So that helps in better combustion of the fuel which is put inside the kiln. Okay. And the percentage of bricks, yeah, is of A-class bricks in our kiln, mm-hmm, is about 10% higher than the conventional brick. অবশ্যই বেনিফিট হচ্ছে যে কোল কনজাম্পশন অনেক কম হচ্ছে, টাইমটা অনেকটা বেঁচে যাচ্ছে। আমরা অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশি প্রোডাকশন করতে পারছি, যেটা আগে সম্ভব হতো না। আইয়ে হাই ড্রাফট মেকানাইজেশন কি তকনিক কে বারে মে কুছ জানকারি হাসিল করেন। পরম্পরাগত ভট্টো মে ইঞ্জিন কে প্রয়োগ কে সাথ কুছ ঢাঁচাগত সুধার কর ইসে হাই ড্রাফট মে তবদিল কিয়া জা সকতা হ্যায়। हाई ड्राफ्ट भट्टे में आईडी फैन या ब्लोअर का इस्तेमाल हवा के लिए, मिट्टी गूंथने के लिए पग मिल, उत्तम कोल कैरी के लिए कोल क्रशर का प्रयोग और मिट्टी मिश्रण के प्रयोग में आने वाले पानी के लिए सबमर्सिबल पंप का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी कार्यों को करने के लिए इंजिन्स का प्रयोग किया जा रहा है। आइए जानकारी प्राप्त करें कि कैसे इस तकनीक का भट्टों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ईंट उत्पादन में मिट्टी गूंदन के लिए पानी की आवश्यकता भारी मात्रा में पड़ती है। आइशर इंजन का इस्तेमाल सबमर्सिबल पंप के जनरेटर बैकअप के लिए बेहद लाभकारी है। ईंट को बनाने में सबसे पहला चरण ईंट के लिए उपयोगी मिट्टी बनाने का होता है, जो पारंपरिक ईंट भट्टों में
पूर्ण रूप से श्रमिकों पर ही निर्भर है। पर अब इसके लिए इंजन द्वारा चालित पग मिल का उपयोग बड़ी तेजी से किया जा रहा है। पग मिल में मिट्टी बेहतर ढंग से तैयार होती है। जितनी मिट्टी की गुंधाई अच्छी होगी, ईंट उतनी ही टिकाऊ व उसकी गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। आजकल कई राज्यों में स्थित ईंट भट्टों में आयशर के 22 एचपी श्रेणी के इंजन का इस्तेमाल पग मिल में किया जा रहा है। आयशर के 22 एचपी श्रेणी के इंजन द्वारा एक बार में 3 से 9 हजार तक की ईंटों के निर्माण के लिए सामग्री का निर्माण संभव है। साथ ही 25 से 30% तक डीजल की बचत कर आर्थिक रूप से ईंट उद्यमियों को अत्यंत लाभ पहुंचा रहा है। हालांकि पारंपरिक रूप से कार्य करने में अब भी मजदूरों पर निर्भरता बनी हुई है, पर अब इंजन के इस्तेमाल होने से 31 लेबर तक की बचत की जा सकती है। सर, अगर हम मैकेनाइजेशन की बात करें तो पहले हमारी टेक्नोलॉजी क्या थी और आज की डेट में हमारी टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है? सिर्फ सर जो भी हमारी डेवलपमेंट है वो बाकी जगह में नहीं है, इस लाइन में भी बहुत है सर। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने पग मिल देखी है हमारी, पहले क्या होता था जो लेबर थी वो गारा खुद बना के उससे ईंट पथाई करके हम उसको उठा के अंदर ले आते थे जैसे कि आप देख रहे हैं। बट अब क्या हो गया, पग मिल के थ्रू हम गारा खुद उनको बना के अच्छा गारा बना के उनको देते हैं, वो उससे पथाई करते हैं। इससे सर हमारी ईंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरा, जब उसकी गुथाई हो जाती है तो मिट्टी में सॉफ्टनेस आ जाती है, ईंटे में फिनिशिंग बढ़ जाती है, साउंड बढ़ जाता है, ब्रेकेज खत्म हो जाता है। इससे लेस टाइम में सर हम बहुत ज़्यादा ईंट की प्रोडक्शन कर लेते हैं। पहले क्या होता था, एक प्रोसेस खुद होता था तो एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की बल्क लेबर चाहिए होती थी। अब क्या हो गया, हम वही काम कम लेबर में वही उससे भी बढ़िया काम करके दिखा सकते हैं। এটাই আমাদের বলবি। তারপর সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা ম্যানুয়াল সিস্টেম ছিল আগে, সেই সময় আমাদেরকে খুব হেজিটেশনের মধ্যে থাকতে হতো, লেবার নিয়ে একটু সমস্যা ছিল। এখন মেশিনারিজ হয়ে যাতে আমাদের অনেকটা ট্রাবলটা কমে গেছে, এটাই বেনিফিট, সবচেয়ে বড় বেনিফিট এটা। ईंट निर्माण में प्रयोग कैरी के लिए जहां पहले बाहरी विक्रेताओं पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब स्वयं कैरी निर्माण का चलन जोरों पर है। आयशर इंजन का 12 एचपी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 142 इंजन कोल क्रशर को चलाने के काम में लाया जाता है। आयशर इंजन की मदद से कोल क्रशर द्वारा केवल 2 से 3 घंटों में अनुमानित 4 टन तक कैरी तैयार कर ली जाती है। इसमें हम 3-4 तरह के थिंग यूज कर रहे हैं। आज हम पेटको यूज कर रहे हैं, यूएस यूज कर रहे हैं और एक फ्लाई ऐश आती है या थोड़ा लो क्वालिटी का कोयला वो यूज कर रहे हैं। इससे प्राप्त कैरी की गुणवत्ता 100% तक बढ़ जाती है और आप बाजार से प्राप्त कैरी में डस्ट की मिलावट से बच जाते हैं। 4 की मिक्सिंग लेके चलते हैं, 4 आना पेटको, 4 आना अमेरिकन इंडोनेशियन कोल, 4 आना रानीगंज या गुज्जू का कोयला, 4 आना झरिया का। अब जो कोला यूज़ करते हैं वो पहले अच्छी क्वालिटी का और महंगा कोला यूज़ करना पड़ता था तो हमें इस क्वालिटी की ईंट मिलती थी, बट हमें अब इंजन के कारण जो है हम लेस क्वालिटी का कोला यूज़ करते हैं, उससे हमें अच्छा माल मिल जाता होता। तो कुछ कोयले में 8-24 घंटा रुकती है, कुछ कोयले में 6 घंटा रुकती है, कुछ कोयला जलने के साथ ही खत्म हो जाता है। तो जब सारे कोयले मिला देते हैं तो वो आगे पीछे का सारा सिस्टम एवरेज हो जाता है। फलस्वरूप आपकी उत्पादन क्षमता में भी भारी बढ़ोतरी होती है। जो इसकी ईंट पहले ज्यादा मतलब के हमारे को दो नंबर 1.5 नंबर मिलती थी, उसको भी हमने कवर किया है। जैसे पहले 75% मिलती थी, अब हमारे को 90% मतलब के 1 नंबर माल मिल रहा है। तो पर टन नेचुरल ड्राफ्ट से हाई ड्राफ्ट में कितना पैसा बचता है कोयले के तौर पे? पर टन के हिसाब से जैसे उसका रेट हमारा पड़ता है 10 से 11 हजार, ये पड़ जाएगा 8 से 9 हजार, करीब 2 से 3 हजार रुपए पर टन बचा सकते हैं। कोल क्रशर में इस्तेमाल होने वाला आयशर इंजन एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी से लैस है और साथ ही इसमें डीजल की खपत का स्तर अन्य इंजन्स के मुकाबले 15 से 20% तक कम होना पाया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि डीजल की ये बचत ईंट उद्यमी का लाभ कई गुना बढ़ा देती है।
जहां पारंपरिक भट्टे ईंट पकाई के लिए पूरी तरह चिमनी पर निर्भर थे, वहीं अब हवा के सक्शन के लिए आईडी फैन का प्रयोग किया जा रहा है। आईडी फैन के इस्तेमाल से जहां ईंधन का 100% तक उपयोग हो जाता है, वहीं आईडी फैन की इस पद्धति से न केवल ईंटों की गुणवत्ता बढ़ती है बल्कि उच्च श्रेणी की ईंटों का प्रतिशत भी बढ़ जाता है। जहां पहले लगभग 60-65% उच्च कोटि की ईंटें बनती थीं, वहीं अब हाई ड्राफ्ट में यह बढ़कर 80-85% तक हो गई है। जिसकी वजह से ईंट उद्यमी का मुनाफा भारी मात्रा में बढ़ गया है। सर, ये जो है ये हाई ड्राफ्ट पर ठीक ईंट है, इसमें और नेचुरल ड्राफ्ट में सर बहुत फर्क है। इसकी जो क्वालिटी है हाई ड्राफ्ट करने के बाद बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। हाई ड्राफ्ट तकनीक में इस्तेमाल होने वाली प्रणाली में ब्लोअर का प्रयोग होता है, जिसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इंजन का प्रयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 15 साल तो पट्ठे का काम कर रहे हैं, जिस तो जो मतलब ये नया काम कर रहे हैं जो हाई ड्राफ्ट कहते हैं हम, ये हम मतलब के अभी स्टार्ट किया है ये, और जो इसका जो बेनिफिट है वो कच्चे भट्ठे से इसके बेहतर रिजल्ट हैं। इसकी जो मतलब के खिंचाई है वो चिमनी के जरिए नहीं होती, इंजन के जरिए होती है। क्योंकि इस तकनीक का पूर्ण लाभ अर्जित करने के लिए इसमें उपयोग होने वाले इंजन सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वो जितने शक्तिशाली, सुविधाजनक व किफायती होंगे, आपका हाई ड्राफ्ट भट्टा उतना ही लाभकारी होगा। जैसे हम चिमनी के भरोसे, कहीं निकासी पिछड़ गई, कहीं पकाई में दिक्कत हो रही, हाई ड्राफ्ट में एक परमानेंट ऑक्सीजन पीछे से मिलता जाता है, वो खींचता है। नहीं तो चिमनी के भरोसे है, चिमनी ने खींच कम की, ज़्यादा की, नहीं की, वो आग के टेम्परेचर के ऊपर चलती है, कहीं भसान हो गई, कोई बात हो गई तो आग खड़ी हो जाती है। इसमें ये आग को आगे करेगा। जो हम कोयला वगैरह डालते थे वो चिमनी